सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के मंडे नाइट रॉ में मेन इवेंट का टाइम हो चुका है। मेन इवेंट में हमें आज के मंडे नाइट रॉ में एट मैन टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है, तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेशर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब्रेट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बीच मंडे नाइट रॉ में WWE अनाउंस करती है कि हमें एट मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है आज के मंडे नाइट रॉ में। लेकिन WWE ये नहीं बताती है कि ये वाला मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, आपको मालूम होगा कि इतना बड़ा मैच है और सभी मैचेस जब पहले ही हो गया है, तो ये मैच तो हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है। तो गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ में टाइम हो चुका है इस एट मैन टैग टीम मैच की। और गाइस, मतलब टैग टीम की बात की जाए तो एक तरफ है हमारे करंट रॉ टैग टीम चैंपियंस RK ब्रो, और उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि RK ब्रो को सपोर्ट करने के लिए द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड एजेकिल है। और दूसरे तरफ है हमारे करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस, और उसोस को सपोर्ट करने के लिए सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस है। यानी कि गाइस, आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हो कि आज के मंडे नाइट रॉ में हमें एट मैन टैग टीम मैच जो देखने को मिल रहा है, RK ब्रो, कोडी रोड्स एंड एजेकिल वर्सेस सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस एंड उसोस के बीच में एक एट मैन टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है राइट नाउ। और ये वाला मैच अभी तक तो ऑफिशियल तौर पे स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि राइट नाउ अभी जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोडी रोड्स का हमें एंट्रेंस देखने को मिल रहा है, और कोडी रोड्स अपना अमेरिकन नाइटमेयर में अपना एंट्रेंस कर रहा है। और आज के मंडे नाइट रॉ में हमें कुछ यही सीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मेन इवेंट में ऑफिशियल तौर पे आप कह सकते हो कि पूरा सीन क्लियर हो चुका है और मंडे नाइट रॉ में टाइम हो चुका है एट मैन टैग टीम मैच का। तो हम लोग देखते हैं इस वाले एट मैन टैग टीम मैच से, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा रिमर्स आ रहे हैं कि जब इस मैच का एंडिंग होगा तो ऐसा हो सकता है कि हमें मिक फॉली का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि मिक फॉली का हमें कैसा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मिक फॉली रैंडी ऑर्टन के, आप कह सकते हो कि एक, मतलब उनके करियर में सबसे अच्छा ओपोनेंट रह चुके हैं, यानी कि उनके तगड़े वाले ओपोनेंट रह चुके हैं। तो हो सकता है कि जब उनका आज के मंडे नाइट रॉ में, यानी कि जब हमें 20 साल के सेलिब्रेशन देखने को मिला था, तो वहाँ पे तो उनका रिटर्न देखने को नहीं मिला था। तो हो सकता है कि जब इस मैच को कोडी रोड्स से रैंडी ऑर्टन, रिडल एंड एजेकिल इस मैच को जीतेंगे, तो हो सकता है कि हमें मिक फॉली का रिटर्न देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस, अभी के लिए आज के मंडे नाइट रॉ में एट मैन टैग टीम मैच का टाइम हो चुका है, जहां पे अभी कोडी रोड्स का एंट्रेंस हो रहा है। स्टिल अभी कोडी रोड्स का एंट्रेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ मिनट के बाद ये वाला मैच स्टार्ट हो जाए। मैच स्टार्ट हो ही जाएगा, मैच का जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गाइस, अभी के लिए आज के मंडे नाइट रॉ में हमें कुछ यही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो जाओ, आपके लिए कॉमेंट सेक्शन फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ में अभी हमें कुछ यही चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपके इस वीडियो में शेयर कर दिया। बाय बाय फ्रेंड्स।